आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला है कन्वोल्यूशन वाई ऑफ टी, दो सिग्नल है एच टी, कन्वोल्यूशन एच ऑफ टी कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में डिफरेंस जो है रिप्रेजेंटेशन का एक तो, और दूसरा फॉर्मूला। ठीक, देखते हैं इसका एक्सपेंशन जो है y of t इक्वल टू हम इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी परसेंट में x tau h t माइनस tau d tau। ठीक है, सेम सिग्नल अगर डिस्क्रीट टाइम में है तो विल राइट y ऑफ n इंस्टेड ऑफ y t और x t की जगह x n, बाकी सब सेम है। जो एक्सपेंशन होगा फॉर्मूले का उसमें क्या डिफरेंस आएगा, बेसिकली इंटीग्रेशन की जगह हम कंटिन्यूस में इंटीग्रेशन यूज करते हैं और डिस्क्रीट में वी विल यूज समेशन। ठीक है, और जैसे यहाँ हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था टाउ, ठीक है, वैसे ही डिस्क्रीट में एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे दैट इज के, स्मॉल के। ठीक है, तो सेम जो है एनालॉजी यहाँ पे आप अप्लाई करो, यहाँ एक्स एन है, हमने एक्स एन को एक नया वेरिएबल लिखा हुआ, एक्स टी को हमने एक नया वेरिएबल लिखा हुआ एक्स टाउ, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स के और एच ऑफ एन माइनस के। तो ये है आपका, और रेंज होती के की के इक्वल टू माइनस इंफिनाइट टू प्लस इंफिनाइट। जैसे यहाँ हमने टाउ की रेंज लिखी है माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट इंटीग्रेशन में, वेरिएबल इज टाउ, हियर वी हैव वेरिएबल के। ठीक है, तो सिमिलर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कन्वोल्यूशन इन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में। ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ मैं, ध्यान से देखो, देखो मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ जो सेकेंड यूनिट है उसमें कन्वोल्यूशन एक टॉपिक है, अंडर कन्वोल्यूशन हमने ग्राफिकल कन्वोल्यूशन कंटिन्यूस टाइम का देखा। म्यूट कर दो, किसका म्यूट है यार, एक बार में ज्वाइन हुआ करो, है ना, अभी लगातार रिक्वेस्ट आ रहे। ठीक है, तो ग्राफिकल कन्वोल्यूशन कंटिन्यूस के केस में सिमिलरली डिस्क्रीट, बट डिस्क्रीट में ज़्यादातर जो है ग्राफिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो डिस्क्रीट पॉइंट्स में है तो जो है ओवरलैपिंग जो है रीजन की नहीं होगी, पॉइंट टू पॉइंट होगी। नेक्स्ट, कंटिन्यूस टाइम में हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो लास्ट वाली क्लास में देखा। फिर अगला अगली जो पॉसिबिलिटी है वो कंटिन्यूस के केस में है, सॉरी डिस्क्रीट के केस में है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो वही वाला केस में ले रहा हूँ, आगे फिर हम दो और केस करेंगे। तो यहाँ सपोज एक सिग्नल है एक्स एन, इसकी वैल्यू है ए पावर एन यू एन, और एक और सिग्नल है एच एन जो है बी पावर एन टू ऑफ एन। ठीक है, हमको ये कन्वोल्यूशन या रिस्पॉन्स निकालना है सिस्टम का। वी हैव टू सिग्नल्स या टू इनपुट्स एक्स एन एंड एच एन, वी हैव टू फाइंड आउटपुट ऑफ द सिस्टम। तो किसी भी तरीके से आप सब पूछ सकते हैं, इधर इन द फॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन की दो सिग्नल को कन्वोल्यूट करो, या फिर आपसे बोला जा सकता है कि सिग्नल है उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है किसी सिस्टम का, तो फॉर दैट इनपुट एक्स एन आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ हम फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे कन्वोल्यूशन का, दैट इज फ्रॉम समेशन के इक्वल टू माइनस इनफिनिट प्लस इनफिनिट एक्स के एच ऑफ एन माइनस के। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ जो एक्स के है सेम जो है सिग्नल एक्स एन को, सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा डिस्क्रीट के लिए भी, टू कन्वर्ट एक्स एन इंटू एक्स के एंड एच एन को एच के। ठीक है, ये स्टेप्स मैं बता रहा हूँ लोगों को, ध्यान से देखो जरा, एक्स एन को एक्स के, ठीक है, एच एन को एच के, फिर नेक्स्ट क्या होगा एच के से एच ऑफ माइनस के, और एच ऑफ माइनस के से
h ऑफ n माइनस k, अगर ग्राफिकल है तो भी ये स्टेप फॉलो करोगे, अदरवाइज मैथमेटिकली में डायरेक्टली आप लिख सकते हो। तो यहाँ आपको सबसे पहले वेरिएबल रिप्लेस करना है, ठीक है। वेरिएबल देखो हमारे पास एक्स एन है, वी विल राइट एक्स के, तो एक्स के की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ए के इंटू यू के, ए के ए पावर के यू के, और एच ऑफ एन माइनस के डायरेक्टली आपको रिप्लेस करना है वेरिएबल जो नया लिखा हुआ बस उसकी जगह, ठीक है। जैसे यहाँ पावर एन माइनस बी पावर एन माइनस के यू एन माइनस के, ठीक है। अब डायरेक्टली आप जो है कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉरी वाई एन नॉट वाई के, वाई एन इक्वल टू समेशन के इक्वल टू माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी एक्स के इंटू एच एन माइनस के, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। क्या होगी वैल्यू, एक ही रेंज माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी एक्स के के पावर के यू के, और एच एन माइनस के की वैल्यू है बी पावर एन माइनस के यू ऑफ एन माइनस के। अब देखो सबसे पहला काम जो आप लोगों को यहाँ करना है क्या है, वो हमेशा स्टेप में मैंने आप लोगों को बताया है, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। स्टेप सिग्नल जैसे यू के यू टी यू एन ये सब स्टेप सिग्नल है, तो हमेशा ये लिमिट या रेंज डिसाइड करते हैं, दीज आर रेंज डिसाइडिंग फैक्टर, ये दोनों रेंज डिसाइड करेंगे कि डिस्क्रीट के केस में रेंज और इंटीग्रेशन मतलब डिस्क्रीट मतलब समेशन, समेशन के केस में रेंज, रेंज की लिमिट, अल्टीमेटली दे विल डिसाइड लिमिट, ठीक है। यूके यूके का एग्जिस्टेंस, यूके कब वैलिड है, यूके कब एग्जिस्ट करेगा, यूके का ग्राफ कैसे बनाते हैं हम लोग, अगर मैं बोलूं यूके का प्लॉट बनाओ तो यूके का प्लॉट कैसे बनेगा, इस तरीके से ये के है वैल्यू वन होगी, ये यू ऑफ के, तो यूके का एग्जिस्टेंस क्या है, यूके कब एग्जिस्ट करेगा, जब के की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, हाँ के ग्रेटर देन जीरो होगा तब। ऐसे ही यू ऑफ एन माइनस के कब एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे जो है आपको रेंज जो है पता लग जाएगी, यू के एग्जिस्ट करेगा फॉर के ग्रेटर देन जीरो और ये एग्जिस्ट करेगा फॉर के लेस देन एन, ठीक है। तो इन दोनों से आपको समेशन की रेंज या लिमिट मिलेगी, के ग्रेटर देन जीरो मतलब दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट, इसकी समेशन की, क्यों, क्योंकि k ग्रेटर देन जीरो पे है ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये जीरो है, तो जीरो इंटू समथिंग, इवन इफ ये एग्जिस्ट कर रहा है दूसरा वाला पार्ट उस वैल्यू पे जहां पहला वाला सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है रिजल्टेंट वो जीरो होगा, मतलब ओवरलैपिंग नहीं होगी। ऐसे ही k लेस देन n पे दूसरा वाला सिग्नल एग्जिस्ट करेगा, बट ये वाला सिग्नल अगर k ग्रेटर देन n पे एग्जिस्ट भी करता है तो मल्टीप्लीकेशन अल्टीमेटली यू विल गेट जीरो, तो आपको जो लिमिट है आपको चेंज करनी होगी समेशन की, चेंज करो लिमिट k इक्वल टू लोअर लिमिट हो जाएगी अब जीरो और अपर लिमिट n a पावर k, उस समय यू के भी वन है और u ऑफ n माइनस के भी वन है, ठीक है, तो इंटू वन और b ऑफ n माइनस के इंटू वन, वन को मैंने नहीं लिखा है, a पावर k इंटू b पावर n माइनस के, ठीक है। यहाँ वेरिएबल क्या है k, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, मैं सेपरेट करूंगा वेरिएबल और कांस्टेंट को, k इक्वल टू जीरो टू n a पावर k b पावर n इंटू बी पावर माइनस के, एक मिनट रुकना है ना, इस समेशन को तुम्हें सॉल्व करके मैं बाकी लोगों को सेंड कर दूंगा। देखो नेक्स्ट वाली क्लास में गूगल मीट में जितनी भी क्लास होगी मैंने पहले भी बताया है
मैक्सिमम 5 मिनट तक जो है आप लोग आज क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम की इसलिए मैं भी अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आप ज्वाइन कर दो, क्योंकि ये बार बार जो है इसमें नोटिफिकेशन आएगा क्लास इंटरप्ट होगी, ठीक है, अगर 5 मिनट तक ज्वाइन कर लेते तो ठीक है, अदरवाइज जो है आप ज्वाइन मत करो, ज़्यादा अच्छा है, पूरे टाइम क्लास में जो है नोटिफिकेशन आएगा ऐसे तो। चलो और कुछ देखो उसमें, अब यहाँ पे जो है आप अपने कॉन्स्टेंट और वेरिएबल जो है सेपरेट कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वेरिएबल्स को एक साथ अरेंज कर दो, मतलब क्योंकि ये सीरीज बनने वाली है, ठीक है, आपको अब जो है एक ही वैल्यू असाइन करनी है, के वेरिएबल इसलिए मैं के को एक साथ अरेंज कर रहा हूँ और कॉन्स्टेंट बाहर, बी पावर एन समेशन एन के इक्वल टू 0 to n ए डिवाइड बाय बी होल पावर के, ठीक है, मैंने के नेगेटिव जो है उसको रेसिप्रोकल ले लिया 1/n बी पावर के, तो ए और बी जो है रेशियो में आ गए ए बाय बी होल पावर के, अब जो है आप अप्लाई करो वैल्यूज के की तो यू विल गेट बी पावर एन और पहली वैल्यू के इक्वल टू 0 तो 1 प्लस ए बाय बी प्लस ए बाय बी पावर 2 प्लस ए बाय बी पावर 3 सो ऑन टिल ए बाय बी पावर n, ठीक है, अब इसका जो सॉल्यूशन करके बता दे रहा हूँ मुझे सॉल्व करके क्या आएगा, हिमांशु आवाज आ रही है, हिमांशु अनम्यूट करो बेटा, कौन है हिमांशु, हिमांशु अनम्यूट करो, मैं तो रिमूव कर दूंगा मीटिंग से, मैंने पहले भी बताया है टाइमिंग के लिए थोड़ा सा जो है ध्यान रखता हूँ, वैसे लगातार जो है रिक्वेस्ट भेजो है दिक्कत होकर है। चलो किया किसने सॉल्व, सर बी इनटू ए ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन अपॉन ए माइनस बी, और कोई बाकी लोग, b into a की पावर n माइनस b की पावर n अपॉन b माइनस a, तो ये बेसिकली gp है, ठीक है, फाइनाइट टर्म्स, तो एक्सपेंशन क्या होगा पहले यहां बताओ जरा क्या होगा एक्सपेंशन, b पावर n into यहां पे फॉर इसका इसका जो है सम क्या होगा इस gp का, सर a इन ब्रैकेट r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r, नहीं नहीं तो वो a नहीं फार्मूला नहीं बताना मुझे, इसका जो है इसको बताओ वैल्यू क्या होगी, सर 1 इन ब्रैकेट a अपॉन b टू द पावर n, ए 1 ब्रैकेट a अपॉन b आ जाएगा, सर फॉर r ग्रेटर देन 1, नहीं ठीक है चलो r लेस देन 1 कंसीडर कर लो इसको, ठीक है ये वाली भी ले देना, उस केस में मुझे बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या है, अरे इसका एक्सपेंशन बताओ ना, इस सॉल्यूशन क्या होता है जीपी का फाइनाइट टर्म में, सर 1 माइनस ए अपॉन बी की पावर एन, हाँ 1 माइनस ए अपॉन बी पावर n upon 1 minus a
अपॉन बी वन माइनस सही है अपॉन बी देख के बताओ करेक्ट है या कुछ और होगा ये बताओ यहाँ टर्म्स कितनी टोटल इस सीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं एन नंबर ऑफ टर्म्स एन है अच्छा यहाँ सॉरी सर एन प्लस वन एन प्लस वन टर्म है बेटा टोटल जीरो से लेके एक समीशन की रेंज के इक्वल टू जीरो से एन है मतलब टोटल टर्म्स एन प्लस वन ये ध्यान रखना है ना सबको पता देना कल से है ना पाँच दस मिनट पाँच मिनट से ज़्यादा अगर जो है लेट करते हो तो मत ज्वाइन करो लगातार जो है पूरे एक घंटे के लेक्चर में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना मुझे तो यहाँ पे एन प्लस वन होगा देखिए इसको भी सॉल्व कर सकते हो चाहो तो बी माइनस ए और ये जो है रेशियो में तो ये बी पावर एन प्लस वन इंटू वन माइनस ए बाय बी पावर एन प्लस वन अपॉन बी माइनस ए फाइनली यू विल गेट बी पावर एन प्लस वन माइनस अब यहाँ पे रेशियो में बी पावर एन प्लस वन है वो कैंसिल हो जाएगा ए पावर एन प्लस वन अपॉन बी माइनस ए फाइनली ये वैल्यू आएगी आपकी बी पावर एन प्लस वन माइनस ए पावर एन प्लस वन अपॉन बी माइनस ए ठीक है ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो बी की पावर एन प्लस वन हो जाएगी और यहाँ बी माइनस ए करेक्ट है यस सर ठीक है अब जल्दी से जरा एक क्वेश्चन करो मैं तो दे रहा हूँ आपको जैसे कि केस में आंसर होता क्या आएगा तभी तो जल्दी से कर पाएगी ना आज मैं सेकंड यूनिट कंप्लीट कर दूंगा एक दो टॉपिक जो है वो बाद में करेंगे एक टॉपिक में उठाना होता बेटर करके सिलेबस देख लेने का और नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट थर्ड यूनिट जेड ट्रांसफॉर्म एक्स एन एंड देन एच ऑफ एन इक्वल टू वन बाय थ्री पावर एन यू ऑफ ए सीक्वेंस एक्स एन ऑफ एच एन इनके लिए आपको कैलकुलेट करना है वाई एन सर मैं जल्दी से ट्राई करो जरा सेम प्रोसीजर सिर्फ समेशन सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में सर सिक्स इन ब्रैकेट वन बाय टू टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन बाय थ्री टू द पावर एन प्लस वन
ये सभी का यार सर सर सिंपलीफाई करने पर 3 अपॉन 2 की पावर n माइनस 2 अपॉन 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर n माइनस 3 अपॉन 2 पावर n नहीं सर सिर्फ नीचे 2 की पावर n 3 अपॉन 2 की पावर n ऐसा यस सर माइनस 2 अपॉन 3 की पावर n और किसी का कुछ किसने किया देखो सेम प्रोसीजर से करो थे ठीक है समेशन के इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 पावर के यू के इनटू 1/3 पावर कोई भी सीक्वेंस के और एन माइनस के आप लिख सकते हो उसमें कोई जो है नहीं है ना इंटरचेंजेबल है फाइनली लिमिट चेंज होती है k इक्वल टू 0 टू n यहाँ वैल्यू 1/2 पावर k और 1/3 पावर n माइनस k देखिए k इक्वल टू 0 टू n यहाँ 1/3 पावर n को बाहर लो हो जाएगा 3/2 पावर के है ना अब आपको यहाँ सीरीज अप्लाई करनी है तो 1/3 पावर एन बाहर है सीरीज ये बड़ा है आप ए इंटू वन पर नहीं लगेगा आर पावर एन मैंने वन कर लिया होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/3 पावर एन आर पावर एन माइनस वन तो आर पावर एन यहाँ एन प्लस वन टर्म्स माइनस वन अपॉन आर माइनस वन ठीक है तो वैल्यू हो जाएगी 2 × 1/3 पावर एन इंटू 3/2 पावर एन प्लस वन माइनस वन ठीक है इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या लिख सकते हैं देखो ये 2 है 3 पावर एन यहाँ डिवाइड करोगे मतलब मल्टीप्लाई होगा बेसिकली थ्री पावर एन से डिवाइड होगा तो यहाँ बच्ची की वैल्यू 3 और 2 मल्टीप्लीकेशन में है और 2 यहाँ डिवीजन में 2 पावर एन प्लस 1 तो टोटल सब कितनी बच्ची 2 पावर एन माइनस 2/3 पावर एन ये वैल्यू सही है ये जो आंसर जिसका भी आया है करेक्ट है 3/2 पावर एन माइनस 2/3 पावर एन ठीक है अब एक काम करना इसको जो है आप इंटरचेंज करके करना है क्वेश्चन ठीक है जैसे मैंने 1/2 पावर एन किया है इसको आपने के कन्वर्ट किया इसको एन माइनस के अब इसको के कंसीडर करो इसको एन माइनस के फिर चेक करना आंसर क्या आता है ठीक है तो डिस्क्रीट में इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ से सीक्वेंस दिए हैं मैथमेटिकली और सॉल्व करने पूछा जाता तो आप कर सकते हो अपने आया नहीं आगे बढ़े ठीक है अब आगे देखो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी नेक्स्ट डिस्क्रीट के केस में आपसे पूछा जाता है सीक्वेंस जो है मतलब जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की जगह सीक्वेंस दिया हो नंबर्स दिए हो ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन होंगे एक्स एन दिया होगा सीक्वेंस एक डिस्क्रीट सीक्वेंस और एच एन भी दिया होगा आपको एक डिस्क्रीट सीक्वेंस ठीक है इन डिस्क्रीट सीक्वेंस के लिए जो है आपको सॉल्व करना आंसर क्या होगा तो हम यहाँ एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं
सपोज एक्स एन की वैल्यू है 1, 2, 4 और एफ एन की वैल्यू है 2, 6, 5 ठीक है। इस तरीके से आपको जो सीक्वेंस दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि इन दोनों का कन्वोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी, इस टाइप के सीक्वेंस जहाँ हमको डिस्क्रीट नंबर दिए हैं यहाँ से लीनियर कन्वोल्यूशन भी पूछ सकते हैं, लीनियर और सर्कुलर, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखो, पहले हम लीनियर कन्वोल्यूशन करते हैं। लीनियर कन्वोल्यूशन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप के सीक्वेंस में कभी कभी ओरिजिन भी मेंशन होता है। ओरिजिन मतलब कि ये सीक्वेंस बेसिकली क्या है डिस्क्रीट सीक्वेंस में, जैसे मैंने अगर एरो हेड बना दिया यहाँ, इसका मतलब ये डिस्क्रीट, जब इसको प्लॉट करोगे आप एक्स एन को, एक्स एन की प्लॉट कैसे बनेगा, ओरिजिन पे एक सैंपल है जिसकी वैल्यू है 2, 1 है इसके जस्ट पहले मतलब -1 पे, ठीक है। तो -1 पे जो एम्पलीट्यूड है वो 1 है और +1 पे जो एम्पलीट्यूड है वो 4 है। ऐसे डिस्क्रीट को प्लॉट करोगे, और ये मेंशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सर्कुलर कन्वोल्यूशन करना आपको वाई ऑफ एन कैलकुलेट करना है इस केस में, तो वाई एन बेसिकली एक्स एन और एच एन का कन्वोल्यूशन है। सर्कुलर सॉरी लीनियर कन्वोल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप दोनों सीक्वेंस लिखोगे, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ मैं शॉर्टकट, एक्स एन को लिखो 1, 2, 4, ठीक है। यहाँ आपने एक्स एन लिख लिया और दूसरे साइड में, ठीक है, टेबलर फॉर्म में आपको मैं बता रहा हूँ टेबलर फॉर्म में कैसे सॉल्व करना है। 1, 2, 4 दूसरा सीक्वेंस आप यहाँ लिखो 2, 6, 5। दोनों सीक्वेंस लिखने के बाद आपको करना क्या है, इस साइड जो आपने वर्टिकली सीक्वेंस लिखा हुआ है इसका पहला सीक्वेंस जो भी है, ठीक है, 2 है यहाँ, इसको जो दूसरा सीक्वेंस है उसे मल्टीप्लाई करना है 1 to 1। तो 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 4 8, 6 को करेंगे तो 6, 12, 24, 5, 10, 20, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। मैंने दोनों सीक्वेंस आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, मींस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का भी कोई जो है फिक्स सीक्वेंस नहीं है कि आपको एक्स एन हॉरिजॉन्टली लिखना है, एच एन हॉरिजॉन्टली लिखना, आप किसी को भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिखो और 1 to 1 ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में मल्टीप्लाई कर दो। नाउ जो आपको सीक्वेंस को ऐड करने, ऐड किस तरीके से होंगे इसके लिए मैंने जो है ये जो है एक लाइन बनाई हुई है, ठीक है। जो भी सीक्वेंस आपको इन लाइंस में मिलते हैं उनको आपको ऐड करना है, यहाँ पे बेसिकली एडिशन होगा, ये ऐड होंगे सीक्वेंस। तो पहला वाला सीक्वेंस में सिर्फ 2 है तो 2 लिखते हैं हम यहाँ। अगला सीक्वेंस है 6 + 4 10, नेक्स्ट इज 5 + 12 + 8 कितना हो गया 17 + 8 25 फिर 34 फाइनली 20। तो ये जो है आपका वाई एन है, ठीक है। अगर नंबर के फॉर्म में है तो डायरेक्टली आप मैट्रिक्स या टेबलर मेथड, ये है टेबलर मेथड से आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, क्लियर है। 1 to 1 मतलब हमने क्या किया, बेसिकली स्लाइड किया है, ओवरलैप किया, मल्टीप्लाई किया है और उस रेंज में जितने भी मल्टीप्लीकेशन उनको ऐड किया है, ठीक है। अगर आप चाहो तो ग्राफिकल मेथड से भी इसको कर सकते हैं, जैसे ग्राफ बना के, बट ग्राफ से अच्छा है इसलिए मैंने यहाँ ग्राफिकल नहीं बताया हुआ इस चीज़ में, टेबलर फॉर्म से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो डिस्क्रीट के सीक्वेंस को। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी वो इंटीजर वैल्यूज पे, मतलब जो है रेंज नहीं होगी, फिक्स वैल्यू होंगी एन की 1, n = 2, n = 3, ठीक है। इस पर्टिकुलर वैल्यू में आपका जो है वहाँ वो ओवरलैप करेगा और उन ओवरलैप सीक्वेंस के मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जहाँ जहाँ ओवरलैपिंग उनको ऐड करना होगा, एरिया अंडर द कर्व जो है बेसिकली ऐड करते हैं, तो समेशन में हमने वो ऐड कर दिया, तो आप ये टेबलर मेथड से कर सकते हो। ये कहलाता है लीनियर कन्वोल्यूशन, ठीक है। लीनियर क्यों? क्योंकि यहाँ ओरिजिनल सीक्वेंस जो एक्स एन है उसमें 3 वैल्यूज हैं और एच एन में 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। और वाई एन अगर आप चेक करोगे तो वाई एन में टोटल 5 वैल्यूज हैं, तो एक्स एन एच एन दोनों के सम करने के बाद -1 इतने सीक्वेंस आपको मिलेंगे लीनियर में,
बट अगर आप सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन करते हो तो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में जितने सीक्वेंस सिग्नल में होंगे एट मैक्स, जैसे यहाँ 3-3 है, तो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में मैक्सिमम सीक्वेंस जो आउटपुट का होगा वो 3 ही पॉसिबल है, ठीक है। तो लीनियर और सर्कुलर का डिफरेंस क्या है, इसी टेबुलर मेथड से हम सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का भी आंसर निकाल सकते हैं। तरीका क्या है, पहले आप जैसे आपसे पूछा जाए फाइंड द लीनियर कॉन्वोल्यूशन ऑफ दी सीक्वेंस xn एंड hn, तो xn और hn आपको मेंशन है, इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लूँ फाइंड द सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन ऑफ द सीक्वेंस xn और hn, तो आपको क्या करना है, पहले लीनियर ही निकालना है, फिर लीनियर में हम अप्लाई करते हैं एड एंड ओवरलैप मेथड, ठीक है। इस सीक्वेंस को अगर सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में ये है आपका लीनियर, अगर आपको सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो यू विल अप्लाई एड एंड ओवरलैप, ठीक है। तो एड और ओवरलैप में क्या करोगे, मैक्सिमम सीक्वेंस 3 है सिग्नल में, तो आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 सीक्वेंस ओरिजिनल है, इसके बाद वाले जो दो सीक्वेंस है आप इनको वापस ओवरलैप करके ऐड कर दोगे, तो 2, 10, 25 आगे के 34 को मैं यहाँ लेके आ जाऊंगा और 20 को यहाँ, और वापस ऐड कर दूंगा सीक्वेंस, तो फाइनली आई विल गेट 36, 30, 25। इसी क्वेश्चन का लीनियर कन्वोल्यूशन का आंसर ये होगा और सर्कुलर कन्वोल्यूशन का आंसर ये होगा, क्लियर है सभी को? सर सर्कुलर कन्वोल्यूशन एक बार फिर से बता देंगे। हाँ, सर्कुलर कन्वोल्यूशन क्या होता है कि सर्कुलर कन्वोल्यूशन में जो दो सीक्वेंस होंगे एक्सन और एक्सन, उनकी जो वैल्यूज हैं, जैसे एक्सन जो एग्जिस्ट कर रहा है वो टोटल एन की 3 वैल्यूज पे एग्जिस्ट कर रहा है और एच एन भी एन की 3 वैल्यूज पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम जब सर्कुलर कन्वोल्यूशन अप्लाई करेंगे तो जो मैक्सिमम सीक्वेंस आउटपुट में पॉसिबल है वो होगा इनपुट के सिग्नल के बराबर। अब बराबर में अगर डिफरेंस है, मीन्स एक्स एन सीक्वेंस अगर 3 वैल्यू वाला है, एच एन 3 से ज़्यादा या कम है, तो सर्कुलर का आंसर क्या होगा, मैक्सिमम सीक्वेंस एक्स एन और एच एन जिसमें भी पॉसिबल है जो भी है। सपोज एक्स एन यहाँ पे हमने लिया है 1, 2, 3 और एक एच एन कंसिडर किया 4 और 5, तो जब सर्कुलर कन्वोल्यूशन आप करोगे तो मैक्सिमम सीक्वेंस एक्स एन और एच एन में कहाँ पे अवेलेबल है, एक्स एन में, इतनी वैल्यू से 3, तो जो आंसर होगा सर्कुलर कन्वोल्यूशन का उसमें 3 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। तो आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन को टेबुलर मेथड मतलब लीनियर कन्वोल्यूशन से सॉल्व करना है, जितनी भी वैल्यूज आएंगी उसमें आपको सिर्फ 3 वैल्यूज को रिटेन करना है और बाकी बची हुई जो भी वैल्यूज होंगी एक्स्ट्रा उनको ओवरलैप करके ऐड कर देना सीक्वेंस में, क्लियर? यस सर। मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ, सभी लोग जल्दी से ट्राई करो, है ना, दोनों आंसर बताना मुझे, लीनियर और सर्कुलर के लिए। हाँ, सर्कुलर कन्वोल्यूशन पेपर पे ड्रा हो सकता है क्या बेटा? सर्कुलर कन्वोल्यूशन पेपर पे ड्रा हो सकता है? टोटल से बड़ा? नहीं नहीं नहीं, टोटल से बड़ा नहीं। नो सर, सर्कुलर कन्वोल्यूशन पेपर पे ड्रा हो सकता है? हाँ बिल्कुल ड्रा कर सकते हो, आप चाहो तो सर्कुलर कन्वोल्यूशन को ये इस फॉर्म में भी जो है सीक्वेंस लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों को सर्कुलर बना के, इसलिए सर्कुलर कन्वोल्यूशन नाम हम जो है उसको बोलते हैं, ठीक है। बट मैं लीनियर से ही आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूँ, आप चाहो तो ऐसे सर्कुलर बना के दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आपके सेक्टर से सॉल्व कर रहे हैं। yes. आगे जब डीएफटी जब हम पढ़ेंगे ना तो मैं आपको ये वाली मेथड भी बता दूंगा डीएफटी के केस में, इसलिए डीएफटी में हम ये ज़्यादा यूज करते हैं ना, सीक्वेंस बड़े होते हैं, ठीक है सर। एच एन की वैल्यू है 2, 6, 5, इन दोनों का कन्वोल्यूशन सॉल्व करके बता दो आंसर क्या होगा। लीनियर भी करना है सर्कुलर भी करना है,
सर हाँ लीनियर का माइनस फोर जीरो 24 30 और सर्कुलर का माइनस क्या क्या वैल्यू आ रही है माइनस माइनस फोर हाँ जीरो 26 और 30 सभी लोगों की ध्यान आ रही है यस सर और सर्कुलर की 26 0 26 चेक कर लेते हैं 2 6 5 2 6 2 12 12 10 12 36 30 4 0 26 30 है ना ये वाली और 26 0 26 ये दोनों आंसर हैं सभी ठीक है यस ठीक है तो यहाँ हम लोगों ने सर्कुलर कन्वोल्यूशन और लिमिट कन्वोल्यूशन डिस्क्रीट में देख लिया है नेक्स्ट टॉपिक सिलेबस में जो आप देखोगे वो है लास्ट टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूँ दैट इज सिस्टम रिस्पॉन्स ठीक है इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस क्या होगा आपको अभी हमने एलटीआई सिस्टम पढ़ा है ठीक है एलटीआई सिस्टम में लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इनपुट और आउटपुट तो इनपुट क्या होता है एक्स टी और आउटपुट वाई टी कंटिन्यूस केस में डिस्क्रीट केस में एक्स एन इनपुट और वाई एन आउटपुट जब हम इम्पल्स रिस्पॉन्स की बात करते हैं मुझे बताओ इम्पल्स रिस्पॉन्स ठीक है इम्पल्स रिस्पॉन्स की बात आप करते हो तो इनपुट क्या हो जाता है एक्स एन इम्पल्स रिस्पॉन्स के केस में इनपुट एक्स एन क्या होगा डेल एन और एक्स टी क्या होगा इनपुट डेल टी ठीक है कंटिन्यूस डिस्क्रिप्ट दोनों लिख दिया सिमिलरली आउटपुट क्या होगा वाई एन और वाई टी एच ऑफ वाई एन को समझेंगे तो जब इम्पल्स एच ऑफ एन हाँ और ये एच ऑफ टी ठीक है तो यहाँ आपको कंटिन्यूस के क्वेश्चन तो नहीं आते मतलब हमारा जो सिग्नल सिस्टम है फोकस है पूरा का पूरा सिलेबस ठीक है तो ये पूरा सब्जेक्ट गड़बड़ कर दिया गया है गड़बड़ कैसे किया मैं बता रहा हूँ आप लोगों को सिग्नल सिस्टम तो सब्जेक्ट है जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करोगे तो वहाँ पे कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम दोनों इक्वली मतलब जो है होने चाहिए सिलेबस में बट हमारा जो सिलेबस है फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने पढ़ा सिग्नल बेसिक सिग्नल सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम सेकेंड यूनिट में हम लोगों ने जो है रिस्पॉन्स देखा एलटीआई सिस्टम का ठीक है एलटीआई सिस्टम की प्रॉपर्टीज पढ़ी फिर कन्वोल्यूशन पढ़ा और एलटीआई सिस्टम का रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना ये लास्ट टॉपिक है अभी इसके बाद वाली जो यूनिट है वो है जेट ट्रांसफॉर्म ठीक है फूरियर सीरीज डिस्क्रीट फूरियर सीरीज डीएफएस और डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म डीएफटी ठीक है ये आपके बचे हुए टॉपिक हैं तो जेड ट्रांसफॉर्म डी एफ एस डी एफ टी यहाँ नाम में डिस्क्रीट है ये डिस्क्रीट है और जेड डिस्क्रीट का टूल है कंटिन्यूस इसके काउंटर पार्ट क्या होते हैं इसके कंटिन्यूस काउंटर पार्ट यहाँ पे होता है जेड का लैपलास डिस्क्रीट फूरियर सीरीज का कंटिन्यूस टाइम फूरियर सीरीज और डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म का कंटिन्यूस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म सी टी एफ टी गेट और टेक्निकल एग्जाम में ये ज़्यादा रेशियो है कंटिन्यूस के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होते हैं और आपका जो सिलेबस डिजाइन है उस बात बच्चा को सिलेबस को पूरा का पूरा डिस्क्रीट कर दिया है क्यों किया है जो अंडरस्टैंडिंग मेरी है वो ये है कि मैथमेटिक्स में आप लोगों को लैपलास पढ़ा देते हैं पूरे सीरीज आप लोग पढ़ लेते हैं कंटिन्यूस टाइम और इंट्रोडक्टरी पूरे ट्रांसफॉर्म शायद आप लोगों को कम्युनिकेशन में होगा इस समय एनालॉग में है ना पूरे ट्रांसफॉर्म है ठीक है बट वो पूरा जो है लिमिटेड सिलेबस है मैथमेटिक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है और मैथमेटिक्स की जो फूरियर सीरीज है वो बहुत अलग है मतलब जो हम सिग्नल सिस्टम में पढ़ते हैं या जो हमारा सिग्नल सिस्टम में यूज है एप्लीकेशन है वो अलग है ठीक है दूसरा लाप्लास आप लोग पढ़ते हो यूनिलैटरल वहाँ जो आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वो यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म है यहाँ हम लोगों को जो जरूरत होती है वो कि बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मतलब वहाँ आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन निकालते हैं लाप्लास और वन कितना होता है
वन अपॉन एस सर, वन अपॉन एस सिग्नल में अगर बाइलेटरल सिग्नल बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म में अगर हम बात करें तो लाप्लास ऑफ वन एग्जिस्ट नहीं करता, अनस्टेबल है ये सिग्नल, ठीक है। तो वहाँ बहुत सारी चीजें हम नहीं पढ़ते, स्टिल सिलेबस में एक गैप है और ये गैप पॉसिबल नहीं है यहाँ कंप्लीट कराना, क्योंकि पूरा का पूरा कंटिन्यूस जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कोशिश करना, मैंने इसलिए बता दिया कि जो तैयारी करने वाले लोग थोड़ा सा इसका अंडरस्टैंडिंग रखोगे तो अगला जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जो अगली यूनिट जो मैं स्टार्ट करूंगा जेड ट्रांसफॉर्म, उसको कोरिलेट कर पाओगे साथ साथ, मतलब उसका काउंटर पार्ट देखते जाना कंटिन्यूस टाइम वाला, जेड का होता है लाप्लास, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि पूरा पूरा सिलेबस क्योंकि डिस्क्रीट जो है ओरिएंटेड है, तो यहाँ भी जो सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है सिस्टम का रिस्पॉन्स, यहाँ इम्पल्स रिस्पॉन्स में हम सिर्फ डिस्क्रीट के लिए ही क्वेश्चन करने वाले हैं, या डिस्क्रीट के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंटिन्यूस का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो यहाँ आपको सिस्टम की इक्वेशन गिवन होगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसका रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। थ्योरेटिकली तो उतना क्लियर नहीं होगा, मैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन में जो है सिस्टम की इक्वेशन लिखा होगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करना है किसी एक एलटीआई सिस्टम का जिसकी डिफरेंस इक्वेशन मेंशनड है, ये कोई भी क्वेश्चन जो है आपको ये कोई भी इक्वेशन आपको मेंशन हो सकती है, ठीक है। यहाँ मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, वाई ऑफ एन इक्वल टू एक्स एन माइनस वाइस ऑफ एक्स एन माइनस टू प्लस एक्स ऑफ एन माइनस थ्री, ठीक है। ये है बेसिकली डिफरेंस इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस इक्वेशन, क्यों, क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइम का है। अगर डिस्क्रीट की जगह कंटिन्यूस होता तो हम इसको लिखते हैं वाई टी इक्वल टू एक्स टी माइनस टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी या कुछ भी जो है, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है, है ना। हम लोग डिफरेंस लीनियर डिफरेंस जहाँ से वहाँ आपको मैंने पढ़ा हुआ मैथमेटिक्स में, यहाँ डिस्क्रीट के केस में उसको हम बोलते हैं डिफरेंस इक्वेशन। इस डिफरेंस इक्वेशन का जो है रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना, आउटपुट कैलकुलेट करना, इम्पल्स रिस्पॉन्स, क्योंकि इम्पल्स रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करता हूँ, इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स के केस में वाई एन क्या होता है, वाई एन एच एन हो जाएगा और एक्स एन डेल एन। तो हम इम्पल्स रिस्पॉन्स का फाइंड करने के लिए ये रिप्लेसमेंट करने वाले हैं इक्वेशन में, ठीक है। इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम क्या होगा, एच ऑफ एन इक्वल टू क्या वैल्यू होगी, डेल एन माइनस वाई डेल एन माइनस टू प्लस डेल एन माइनस थ्री, ये है इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो अब मुझे बताओ एच एन का जो मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स की जो वैल्यू है वो है डेल एन माइनस ट्वाइस डेल एन माइनस टू प्लस डेल एन माइनस थ्री। इसको अगर मैं बोलूँ ग्राफ प्लॉट करने के लिए राइट साइड में जो वैल्यू लिखी तो क्या प्लॉट कर सकते हो, डेल एन क्या बेसिकली, डेल एन एक इम्पल्स है, कहाँ सिचुएटेड है, जो कि एन इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू जीरो पे, ये कहाँ सिचुएटेड है, एन इक्वल टू टू पे, ये एन इक्वल टू थ्री पे। तो ये आप प्लॉट कर सकते हैं, इसका प्लॉट कैसे बनेगा, प्लॉट बनेगा तीन सीक्वेंस होंगे, तीन इंपल्स होंगे बेसिकली, यहाँ एक ओरिजिन पे जिसका एम्पलीट्यूड कितना है ओरिजिन वाले का, वन, इसके बाद एन इक्वल टू टू पे कितना है, ये जीरो, माइनस टू, एन इक्वल टू वन पे जीरो, एन इक्वल टू वन पे कुछ नहीं मतलब जीरो, एन इक्वल टू टू पे माइनस टू, यहाँ नीचे बन जाएगा माइनस टू, ये माइनस टू, ये वन, और एन इक्वल टू थ्री पे अगेन वन प्लस वन, अगेन वन। ग्राफिकली आप ऐसे लिखोगे एच एन का प्लॉट ऐसे बनाओगे, ठीक है, एच एन वर्सेस एन, और चाहो तो एच एन को सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने सीक्वेंस लिखे हैं ये इस तरीके से, क्या लिखा जाएगा, वन ओरिजिन की वैल्यू वन है, ये है ओरिजिन, नेक्स्ट ओरिजिन के बाद एन इक्वल टू वन पे कितना है, माइनस टू, जीरो, जीरो, एन इक्वल टू वन पे जीरो, फिर एन इक्वल टू टू पे माइनस टू, और एन इक्वल टू थ्री पे प्लस वन, समझ में आ गया सभी को, आउटपुट मैंने फाइंड कर लिया, ये है आउटपुट, यानी इम्पल्स रिस्पॉन्स, दिस इज इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ दिस डिफरेंस इक्वेशन।
ठीक है, क्लियर है यार? अब yes, ध्यान से समझो, हमारा जो डिफरेंस इक्वेशन जो हमको क्वेश्चन में मेंशन है, उसका जो आउटपुट है मतलब इंपल्स रिस्पॉन्स है, वो फाइनाइट वैल्यूज उसमें आ रही है हमारे पास। चार ही वैल्यूज हैं पॉसिबल, जो वैल्यूज हैं वो चार हैं, बाकी सारी वैल्यूज जीरो हैं, अदर देन दैट सब जगह जीरो है ये। तो हम इसको बोलते हैं फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स, और शॉर्टकट में ये बोला जाता है FIR। ठीक है, FIR। ये जो इक्वेशन गिवन थी, जब हमने उसका रिस्पॉन्स कैलकुलेट किया तो हमें फाइनाइट सीक्वेंस मिले, इसलिए हम इसको बोलेंगे फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स FIR। और जो सिस्टम है, क्योंकि अब हमको सिस्टम की जो इक्वेशन जो गिवन है, उस सिस्टम की इक्वेशन को मैं बोलूंगा FIR सिस्टम होगा। ये जो ऊपर जो हमने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इस क्वेश्चन को मैं क्या बोलूंगा, ये क्वेश्चन कैसा है, ये एक सिस्टम की इक्वेशन है, इनपुट और आउटपुट सिस्टम की इक्वेशन है। ये कैसा सिस्टम है? FIR सिस्टम। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फाइंड वेदर दिस सिस्टम इज FIR और नॉट। FIR नहीं हो क्या होगा? ठीक है, फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स सिस्टम है, क्योंकि इसके इंपल्स के रिस्पॉन्स में फाइनाइट वैल्यूज मिल रही है। क्लियर? यस सर, यस सर। अगला अगला सीक्वेंस देखो, अगला सीक्वेंस में यहां लिखता हूं वाई एन प्लस टू टाइम्स वाई एन माइनस वन इक्वल टू एक्स एन प्लस एक्स ऑफ एन माइनस वन। सेम अप्रोच, डिफरेंस इक्वेशन गिवन है, इसका इंपल्स रिस्पॉन्स फाइंड करना है। ठीक है, इसका इंपल्स रिस्पॉन्स फाइंड करना है। तो सबसे पहला रिप्लेसमेंट में क्या करने वाला हूं बताओ, टू फाइंड इंपल्स रिस्पॉन्स एक्स एन को डेल एन से डेल एन, और वाई एन हो जाएगा उस समय वाई एन एच एन। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स, दिस इज इम्पल्स रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम का। यहाँ पे लिखो एच ऑफ एन प्लस टू टाइम्स एच ऑफ क्या हो जाएगा, ये एन माइनस वन इक्वल टू डेल एन प्लस डेल एन माइनस वन। क्लियर है? तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या वैल्यूज मिल रही है आपको, एच एन प्लस टू एच एन माइनस वन। यहाँ डायरेक्टली आपको एच एन नहीं मिलता है, यहाँ पे वैल्यूज जो है आपको दो वैल्यूज मिली हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक थी और जो है मेंशन होगी, कंडीशन जो है साथ में मेंशन होगा कि सिस्टम का नेचर क्या है। ठीक है, कॉजल इस टाइप की इक्वेशन जहाँ मेंशन है, जहाँ आपको डिफरेंस इक्वेशन में y के अलग अलग वैल्यूज दी है, तो ये तो या तो कॉजल दिया होगा, ठीक है, या नॉन कॉजल। ठीक है, ये क्यों है आगे समझ में जाएगा कि नॉन कॉजल और कॉजल। कॉजल सिस्टम अगर है, ठीक है, कॉजल सिस्टम अगर है तो मुझे बताओ, यहाँ पे देखो जरा, हम कंसीडर कर रहे हैं सब कुछ, ये सिस्टम कॉजल है। ठीक है, और मैं एन इक्वल टू जीरो पे इस सिस्टम का आउटपुट चेक करना चाहता हूँ, तो क्या वैल्यू होगी, एच जीरो प्लस टू टाइम्स एच ऑफ माइनस वन इक्वल टू डेल जीरो प्लस डेल माइनस वन। ठीक है, एन इक्वल टू जीरो के केस में, तो एच जीरो हमने एन इक्वल टू जीरो, तो ये प्रेजेंट केस हो जाएगा, प्रेजेंट टाइम या प्रेजेंट इंस्टेंट एच जीरो आपको कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट आउटपुट एच जीरो, और ये प्रीवियस आउटपुट है। तो प्रेजेंट आउटपुट मतलब हमने इनपुट अप्लाई किया है एन इक्वल टू जीरो में, और सिस्टम कॉजल है, तो एच ऑफ माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, बताओ जरा। अगर कॉजल सिस्टम है, ठीक है, तो जिस इंस्टेंट पे आप इनपुट अप्लाई करते हो उसी इंस्टेंट पे आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो जो आउटपुट है वो प्रेजेंट ऑफ पास्ट वैल्यूज पर डिपेंड करेगा, पास्ट वैल्यूज ऑफ इनपुट पे। अब मैंने कॉजल सिस्टम में एन इक्वल टू जीरो में मुझे आउटपुट कैलकुलेट करना है एच ऑफ जीरो, ठीक है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो एच ऑफ माइनस वन जब मैंने इनपुट अप्लाई नहीं किया, इनपुट ये पास्ट वैल्यूज ऑफ हो गया, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी कॉजल सिस्टम के लिए, ये हमने प्रॉपर्टीज में देखा हुआ है,
एलटीआई सिस्टम अगर कॉजल है तो एच ऑफ माइनस वन मतलब पास्ट वैल्यू जिस इंस्टेंट पे आपने इनपुट अप्लाई नहीं किया है वहां आउटपुट जीरो होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? एक बार जो है स्टार्टिंग वाली क्लास में जब मैंने एलटीआई सिस्टम की प्रॉपर्टीज बताई थी वहां पे जाके चेक करना कॉजलिटी वाला केस है ना, तो ये वाला जो डाउट है वो शायद जो है अभी बहुत दिनों से आपको कनेक्टेड नहीं है तो ये जो है समझ नहीं आ रहा होगा। ये देखें ना, तो यहाँ पे ये तो सिस्टम कॉजल लिखा होगा, तो अगर कॉजल लिखा हुआ है तो आपको ये पास्ट वैल्यू जो है वो जीरो कंसिडर करनी है, बट अगर ये कॉजल नहीं लिखा हुआ है तो क्या करना होगा, नॉन कॉजल सिस्टम है तो आपको ये वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन होगी, मतलब इसको हम बोलते हैं प्रीवियस वैल्यू। जैसे आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप लोग पढ़ते थे वहां पे क्वेश्चन में लिखा होता है कि जहां y ऑफ माइनस वन की वैल्यू वन है, ठीक है, तो ये पास्ट वैल्यू मेंशन होगी, या तो कॉजल सिस्टम होगा, अगर मेंशन नहीं है तो कॉजल कंसीडर करना है, अगर मेंशन है तो आपको वैल्यू पुट करनी, तो क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है तो वी आर कंसीडरिंग दिस सिस्टम एज कॉजल वन, ठीक है, तो ये कॉजल हो गया, इसलिए ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो एच ऑफ जीरो प्लस जीरो इक्वल टू डेल जीरो की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा जीरो कितना होगा वन, वन और डेल्टा माइनस वन, डेल्टा एग्जिस्ट कब करता है, डेल्टा टी माइनस टू लिखा है अगर मैंने तो डेल्टा टी इक्वल टू कहां एग्जिस्ट करेगा, टू पे, कहां एग्जिस्ट करेगा, टी इक्वल टू टू पे, तो जब आप टी इक्वल टू टू रखें तो डेल्टा के अंदर क्या मिलेगा आपको, डेल्टा जीरो, तो डेल्टा हमेशा एग्जिस्ट करता है जब उसके अंदर वैल्यू जीरो होगी, तो डेल्टा के अंदर माइनस वन लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि n इक्वल टू जीरो पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये n इक्वल टू वन पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो डेल्टा माइनस वन कितना होगा, जीरो, 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 तो यहाँ h ऑफ जीरो की वैल्यू मिली आपको वन, ठीक है, ये हो गया आपका पहला सीक्वेंस जो आपने कैलकुलेट किया। अब आप कैलकुलेट करो n इक्वल टू वन रख के, ठीक है, तो n इक्वल टू वन रखने पे एच ऑफ वन आगे आते हैं, देखो इसी इक्वेशन में h ऑफ वन प्लस ट्वाइस h ऑफ की e क्या हो जाएगा, जीरो माइनस इक्वल टू डेल्टा, नहीं बेटा n इक्वल टू वन पे कर दो ना, यहाँ n इक्वल टू वन अप्लाई करना है, वन से पहले n इक्वल टू जीरो पे किया, अब क्योंकि हम यहाँ पे जो इनपुट और आउटपुट की इक्वेशन मिक्स्ड है, ठीक है, यहाँ सिंगल टर्म नहीं है y का, y के दो टर्म यानी h के दो टर्म है, तो आपको ऐसे अलग अलग डिस्क्रीट वैल्यूज पे आउटपुट निकालना होगा, पहले एच जीरो फिर एच वन फिर एच टू फिर एच थ्री, तो एच वन के लिए एन इक्वल टू वन रखा, ठीक है, तो ये डेल्टा वन प्लस ये डेल्टा जीरो, तो एच ऑफ वन कैलकुलेट करना है प्रेजेंट आउटपुट, टू एच ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने जस्ट कैलकुलेट की है वन, डेल्टा वन कितना होगा, जीरो, डेल्टा वन जीरो, डेल्टा सिर्फ जीरो पे एग्जिस्ट करता है, ये वन, एच वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वन है ना, यस सर, अब एन इक्वल टू टू पे निकालो जरा कितनी वैल्यू आ रही है, एन इक्वल टू टू थ्री फोर इन पे चेक करो, जल्दी जल्दी करो जरा, तरीका मैंने बता दिया, जल्दी से करो जरा, एन इक्वल टू टू थ्री और फोर पे, H2 बताओ मुझे, 2 और H3, H2 2 आ रहा है और H3 H4, माइनस 4, H3 माइनस 4 और H4 8, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे आपने H0 कैलकुलेट किया, H0 भी मिल रहा है, H1 भी मिला, H2 भी मिला, H3 भी मिला, H4 भी मिल गया, ऐसे आप आगे कैलकुलेट करोगे तो आपको H5 भी मिलेगा, H6 भी मिलेगा, तो बेसिकली यहाँ पे जब मैं आउटपुट इक्वेशन में HN लिखूंगा अगर,
एच एन को मैं लिखना चाहूँ, एच जीरो पे कितना आया, वन, वन पे माइनस वन, ठीक है ये ओरिजिन वाले वैल्यू, टू पे टू, थ्री पे माइनस फोर, फोर पे एट, ऐसे फाइव पे कुछ कुछ जो है, तो आपको इस इक्वेशन में जो इम्पल्स रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, अब क्या वो फाइनाइट वैल्यूज मिल रही हैं? नो सर, ये फाइनाइट वैल्यूज है क्या? नहीं, ये इनफाइनाइट वैल्यू है, ये इनफाइनाइट है, जैसे जैसे आप आगे रखोगे तो हर बार आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, हर बार कुछ ना कुछ मिलेगा, क्यों? क्योंकि प्रीवियस वैल्यू नॉन जीरो है, जब भी प्रीवियस नॉन जीरो होगा तो नया जो जो मतलब नेक्स्ट वैल्यू होगी वो भी नॉन जीरो होती जाएगी, तो वी विल गेट इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स या आई आई आर, इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स आई आई आर, मतलब ये जो सिस्टम की इक्वेशन है ये आई आई आर सिस्टम कहलाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स मिलता है, आपको हमेशा डिफरेंस इक्वेशन में क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि ये सिस्टम मेंशन है, बताइए ये आई आई आर है या एफ आई आर है, क्लियर है? तरीका सब समझ में आया कैसे करना है? तो जो ये वाला केस है जहां पे आउटपुट की वाई के दो टर्म्स हैं, वहां आपको या तो सिस्टम कॉजल मेंशन होगा, कॉजल है मतलब प्रीवियस वैल्यू जीरो होंगे, प्रेजेंट इंस्टेंट पर बस जो है आपको कैलकुलेट करना है, पास्ट वैल्यू को आपको जीरो मानना है, और अदरवाइज नॉन कॉजल में वो वैल्यू मेंशन होगी, ठीक है? अब मैं क्वेश्चन एक लिख रहा हूँ आप लोगों को करने के लिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद जो है क्लास एंड, फिर नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो देखो जरा जल्दी से करके बताओ अगर समझ में आया तो, वाई एन माइनस वन बाई टू पाई ऑफ एन माइनस टू इक्वल टू टू टाइम्स एक्स एन माइनस एक्स ऑफ एन माइनस टू। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता मुझे कि ये एफ आई आर है या आई आई आर है, और जो भी है उसका आउटपुट क्या होगा, एफ आई आर है तो आउटपुट क्या है और आई आई आर है तो आउटपुट क्या है? क्या करना है, एक्स एन की जगह डेल्टा एन, वाई एन की जगह एच एन, ठीक है, कंसीडर करना है क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, तो इसको कॉजल सिस्टम कंसीडर करना है, कॉजल। अब मुझे बताओ जरा वैल्यूज क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, एच जीरो, एच वन, एच टू, एच थ्री, एच ऑफ जीरो, आगे की वैल्यू कैलकुलेट करो, सो ऑन, चैट बॉक्स में मुझे बताना, यहाँ बताओ ना जो स्क्रीन मुझे दिखनी चाहिए, एच ऑफ वन जीरो, एच ऑफ वन जीरो, एच ऑफ टू जीरो जीरो, एच ऑफ थ्री जीरो, एच ऑफ फोर भी जीरो आ रहा है, क्योंकि ये सीक्वेंस जीरो हो गए तो अब नेक्स्ट सारे सीक्वेंस जीरो आएंगे, आप चेक करके देखना, तो आपको सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है, तो सिस्टम टाइप क्या होगा, क्या बोलेंगे, फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। अब हम एच एन भी लिख सकते हैं, एच एन की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ टू, तो टू को क्या लिख सकते हैं, टू ऑफ डेल एन, क्यों, क्योंकि एन इक्वल टू जीरो पे मिल रहा है, तो टू डेल एन लिख सकता हूँ मैं इसको,
यस सर, है ना। तो ये है आपका इस सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने जो है इंपल्स रिस्पांस कैलकुलेट करना सीख लिया। अब सिर्फ एक टॉपिक बाकी है सेकेंड यूनिट का, वो ध्यान रखो, उसको बता देता हूँ इंट्रोडक्टरी क्या चीज़ है, बाद में देखेंगे भी हम। इन सिस्टम को हम ड्रॉ कर सकते हैं, रियलाइजेशन कहलाता है वो, ठीक है। रियलाइज करना, रियलाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब इनकी स्ट्रक्चर बनाना, तो प्लॉट करना। तो कुछ एलिमेंट की जरूरत होती है हम लोगों को, मेमोरी और क्या कहते हैं एडर सब्सट्रैक्टर, और विद द हेल्प ऑफ दैट मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लायर, इनकी हेल्प से हम इसको ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलग अलग फॉर्म है, डायरेक्ट फॉर्म वन, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म टू, फिर कैस्केड, ठीक है, पैरेलल, ऐसे अलग अलग जो है इनके स्ट्रक्चर है। तो हम अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे प्लॉट करते हैं वो देखेंगे, बट क्योंकि वहाँ मेमोरी एलिमेंट जो हम लोग यूज करते हैं वो जी ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म से आता है। तो नेक्स्ट यूनिट पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है, अगली वाली क्लास से। और इस ट्रांसफॉर्म को करने के बाद फिर मैं ये रियलाइजेशन स्ट्रक्चर आप लोगों को बता दूंगा, आसान है, ठीक है। अभी एंड करते हैं क्लास यहाँ।